गाइस, दिस इज सुमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप पीछे के बाल काट सकते हैं। आगे वाले बाल काटना ज्यादा इजी होता है क्योंकि हमें अपने बाल दिखाई देते हैं और हमारे हाथ भी इजीली पहुंच जाते हैं, बट पीछे वाले बाल ना ही हमें दिखाई देते हैं और ना ही हमारे हाथ पहुंच पाते हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट होता है उन्हें काटना, वो भी बराबर काटना तो काफी डिफिकल्ट होता है। तो आज के वीडियो में आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप पीछे के बाल बिल्कुल बराबर काट सकते हैं। तो पहले मैंने ये टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई की, जब ये मुझे लगा कि ये हाँ ये सही में वर्क करती है तो फिर मैं इसे आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, आई होप कि वीडियो आपके भी काम का हो उतना ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पीछे की तरफ टर्न हो जाऊंगी, अपने सारे बालों को होल्ड करूंगी और एक पोनी टेल बनाऊंगी। ये पोनी टेल हम लोग नीचे बनाएंगे बिल्कुल कुछ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइट नहीं बनानी है पोनी टेल, नॉर्मल बनानी है कि बाल इधर से उधर ना हो। के बाद में हम जो दूसरा इलास्टिक लगाएंगे वो बीच में लगाएंगे, मतलब जहां से हम लोगों ने पोनी टेल बनाई है और जहां तक हमारे हेयर लेंथ है उसके बीचों बीच लगाएंगे। सेकंड वाला जो इलास्टिक होगा वो भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, कोई भी इलास्टिक एक्चुअली टाइट नहीं होना चाहिए। जब इलास्टिक हम लोग टाइट लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि बाल ऊपर नीचे हो जाते हैं और हमें कट करने में प्रॉब्लम आएगी। अब जो लास्ट इलास्टिक है वो सबसे नीचे लगाऊंगी मैं, जहां से हम लोग को फाइनल हमारी कटिंग करनी है बालों की, मतलब मैं अपना इलास्टिक यहाँ पे लगाऊंगी और इसी इलास्टिक के जस्ट नीचे से मैं अपने बाल भी कट करूंगी। तो मैं कुछ हाफ इंच छोड़ के अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट कट कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने अपने बाल बिल्कुल कट कर लिए। अब हम लोग इलास्टिक ओपन करके देखते हैं। कुछ इस तरीके का लुक आया है, आप देख सकते हैं कि पूरे बाल स्ट्रेट नहीं है। तो ये तो था अभी हमारा फर्स्ट स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा हमें बालों को हाफ डिवाइड करना होगा, जैसे हम दो पोनी बनाने के टाइम पे करते हैं। सारे बालों को आगे लेके फिर से इलास्टिक लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं एक और इलास्टिक लगाऊंगी। यहाँ पे मैं तीन इलास्टिक नहीं लगा रही हूँ जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले प्रोसेस में किया था, कि बालों को जब हमने आगे की तरफ लिया है तो वो छोटे दिख रहे हैं काफी, तो मुझे तीन इलास्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बाल ज्यादा लंबे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग तीन इलास्टिक भी यूज कर सकते हैं। जो सेकंड इलास्टिक मैंने लगाया है यहाँ से मैं अपने बालों को पकड़ूंगी और फिर से स्ट्रेट कट कर लूंगी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो लास्ट वाला इलास्टिक हमने लगाया है, ये सेकंड वाला, इसके बाद में आप अपने बालों को गीला कर सकते हैं और उसके बाद में कट कर सकते हैं, वो आपके लिए और ज्यादा इजी। तो मैंने फिर से स्ट्रेट कट कर लिए हैं। अब मैं दोनों इलास्टिक को हटाती हूँ और देखती हूँ इस बार का लुक। तो मैं फिर से पीछे टर्न हो रही हूँ और ये है फाइनल लुक, और मेरे ख्याल से ये काफी ठीक ठाक कट गए हैं मेरे बाल। कि एक दो बाल ऊपर नीचे होते हैं तो आप वो घर में किसी से भी थोड़ा सा कटवा सकते हैं, अदरवाइज जिस तरीके से मैंने ये काटे हैं बाल उस तरीके से मेरे लगभग सारे बाल स्ट्रेट हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। टेक्निक मैंने बताई है ये मेरे बालों पे काफी अच्छे से वर्क किया है इसने और उसी के बाद में मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके भी काम आए, और अगर आपके काम आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आप लोग इस वीडियो को लोगों से शेयर कर सकते हो जिनके काम आ सकती है। आई सी यू सुपर सून गाइस, बाय।